smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग यहाँ से करते हैं कंटिन्यू। जय स्वामी नारायण। अभी आज घर पे क्या क्या हो रहा है वो दिखाएंगे। सातम आठम के लिए कुछ आइटम बना रहे हैं, तो वो सब आगे का सब कुछ आपको रिद्धि दिखाएगी। तो चलो व्लॉग तो करते हैं कंटिन्यू। आप लोग पूरा व्लॉग देखना, ऐसे प्यार बना के रखिए। जो हमारे चैनल पे नए लोग आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अभी यहाँ पर सेव बन रही है और यहाँ पर हमने पूरी बना ली है। कौन सी पूरी है ये? फर्सी पूरी। ये फर्सी पूरी है। देखो यहाँ पर कंदोई बैठ गए है बनाने के लिए। ये रहा कंदोई। कंदोई हाँ। क्या कर रहे हो? सेव बना रही हूँ। महाराज यहाँ पर बैठ गए है बनाने के लिए। पहला गाड़ा निकाल लिया है, अब दूसरा गाड़े की तैयारी हो रही है। अभी उसमें लोड खत्म हो गया है ऐसा लग रहा है। देखो घर के कारीगर। यहाँ पर मैं सेव बना रही हूँ ममरा के लिए और सातम आठम की पूरी गाठिया टेकी वो सब बना रहे हैं हम चूल्हे पे। बाहर आंगन में बना रहे हैं सातम आठम, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पवन भी आ जाए तो गर्मी ना लगे इसलिए। दीदी अब हम लोग जा रहे हैं घर में। काम है इधर? काम है, बैठो इधर, पता चले कि किस तरह खत्म आठ मन रही है। ओ ऐसे ऐसा हाँ। है कि नहीं, मैं सोच रहा था अंदर जाके एडिटिंग करता हूँ। अब यहाँ पर हमारा गाठिया बन रहा है। गाठिया चोरा का लोट का गाठिया बनाया है हमने, इसलिए वाइट बनाया। चोरे का लोट का आएगा। जब जब ज़्यादा बनाने होता है तब हम लोग आ जाते हैं बाहर, किचन से बाहर ही आ जाते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा सेटअप करना होता है और धुआं भी ज़्यादा रहता है, इसलिए बाहर आ जाते हैं। खुले में मस्त बनता है, थोड़ी थोड़ी हवा भी चलती रहती है। अडियो अडियो शुगर શું કરેશભાઈ ફાર્મ સે આ ગયે ઓર દિવ્યા રેડી થા ઉસકો પતા થા ગાડી આયેગી ઉસકે બાદ ઉસકો ઉપર બેઠને કો મિલેગા। અભી યહાં પર દિવ્યા ડેલી દોપહેર કો દો યા તીન ચક્કર મારતે હૈ ગાડી પે બેઠ કર હૈ ને દીવું। હાલો દીવું ઉતરો આવે એ ઉતરી ગયો ભૂપતિ દીવું ભૂ ઉતરી ગયું આવે। ને 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 ને
भू आई जा भू आयो भू मी और मी घर को कटिंग कर रहे है छोटे छोटे पीस में गोल कटिंग कर रहे है लाडू बनाना है इसलिए यहाँ पर गेहूं का लोट को सेक रहे है सेक है भाई सेक रहे है कितना किलो लोट लिया आपने साढ़े चार किलो का गेहूं का लोट को अभी सेक रहे है साढ़े चार किलो का लाडू बन रहा है यहाँ पर गोड़ का पाक दे रहे हैं गोड़ और घी से लाडू का तो यहाँ पर हमने गोड़ डाल दिया है त्रण के जी हमने गोड़ डाल दिया है पाक देंगे गोड़ और घी से और सब मीठा लाल मिलके खाएंगे और अगर हरीश भाई स्वीडन से देख रहे हैं तो आ जाए खाने के लिए मीठा लाल बहुत सारा घी डाल दिया है इसमें मम्मी अभी थोड़ा आसरिया डाल दिया है और शैलेश भाई अच्छी तरह से हिला रहे गोड़ और घी को और इसमें हम डाल रहे जामफर इलायची पहले से ही डाल दी थी तो इसमें जा रहा है जामफर यहाँ पर सभी लोग लाडू वारने के लिए बैठ गए हैं। यहाँ पर हम लड्डू बना रहे हैं, वार रहे हैं लड्डू कोई हाथ से कोई उंगली से साथ में बैठ गए दो हाथ से लड्डू बना रहे हैं दो हाथ में क्यों बना रहे हैं उसका कुछ रीजन है शैलेश भाई फटाफट काम हो जाए इसलिए आपको लड्डू वारना कहाँ से सीखा आपने गुरुकुल के जब शैलेश भाई गुरुकुल में पढ़ते थे तब वहाँ पर लड्डू वारते थे दोनों हाथों से बन के तैयार हो गया है साढ़े चार केजी का लड्डू बनाया है ये देखो यहाँ पर है और यहाँ पर भी है ये
ये बैठ गए यहाँ पर लड्डू बनाने के बाद, अभी खाएंगे उधर बैठकर। कर दिव्या इधर खेल रहा है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर वीडियो को एंड कर रहे हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए।